सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अब्दू रोज़िक का मीटअप है फ्योनिक्स मॉल में। तो जो बिग बॉस 16 देखते हैं बहुत अच्छे से, तो उसको मालूम होगा अब्दू रोज़िक कौन है। तो उसका आज मीटअप है, तो फिर मैं वहीं पे जा रहा हूँ अभी फ्योनिक्स मॉल। तो चलते हैं, अभी 2 बजे है, लेट्स गो। तो आज संडे करके मेगा ब्लॉग है, तो अभी हम लोग शार्ट स्टेशन में आए सब लोग। हाय बोलो भाई लोग। हाय गाइस। तो अभी ट्रेन 15-16 मिनट लेट है, तो देखते हैं अभी टाइम पे पहुंच पाते कि नहीं, लेट्स सी। तो अभी हम लोग फ्योनिक्स मॉल पहुंच चुके, थोड़ा अभी फ्रेश वगैरह कर हुए, अभी देख रहे कहाँ पे मीटर पे देखते हैं, अभी चलते हैं, लेट्स गो। बहुत अच्छी चीज आपको चाहती है और अपना सॉन्ग लॉन्च होने वाला है, इसका मीन इधर इधर आपू जी बॉलीवुड कलाकार बिग बॉस हमारे अप्पू जी के लिए बहुत अच्छा था, उन्होंने सारा कुछ किया और सॉन्ग बनाया एक महाराष्ट्र के लिए, एक बम्बई सॉन्ग के लिए, जो बहुत सारे सॉन्ग बनाते और इन्होंने खास करके किया। तो एक अप्पू जी के लिए गाना लाइक करो, शेयर करो, 300 शॉट आए हुए जिनको अप्पू जी सपोर्ट करते हैं। अप्पू जी इंडियंस पब्लिक के लिए एक डायलॉग, एक बार जो कमेंट करती है उसके बाद मैं अप्पू जी की सुनता हूँ।
Okay, for his new song Pyar, which is going to be the biggest surprise of the evening. So you guys have to wait a little longer. But before that, I have someone read. बाय मेरी फैन फॉलोइंग अब्दू से मिलने आए हैं बाय गाइस। यहाँ पे स्कैम किया, 300 रुपये का टी शर्ट लेके बोले थे कि अब तो किधर फोटो निकालने मिलेगा, 10-12 लोगों को मिला, बाकी हम लोग को फोटो निकालने मिला ही नहीं। अभी क्या बोले, 300 रुपये भी बर्बाद, फोटो भी नहीं मिला, और लाइन में खड़े थे फोटो निकालने के लिए 1.5-2 घंटा, वो अलग। अब जानते हम क्या कर सकते, अब जाते कुछ खाने तो। तो अभी फाइनली घर पे आ गए, तो बहुत बुरा लगा। अब्दू का टी शर्ट तो मिला, मगर अब्दू के साथ फ़ोटो निकालने नहीं मिला। काफ़ी दोस्त लोग को फ़ोटो निकालने मिल गया, मगर मेरे को और एक और दोस्त है पवन, उसको नहीं मिला फ़ोटो निकालने। लड़के ना भाई ऐसे ही होता है, बाकी सबको मिल गया जो भी लड़की आई थी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, तो जाके फटाफट फॉलो कर लेना। ओके बाय।